स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्लोप ऑफ सी लाइन. हम लोगों ने लास्ट जो टू वीडियोस हमारी गई हैं उन वीडियोस में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है. कंजम्पशन फंक्शन और स्लोप ऑफ सी लाइन. हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, डेट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एमपीसी को ही हमने क्या कहा था, स्लोप ऑफ सी लाइन, जो कि हमारे टॉपिक का नेम था. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीसी बोलेंगे. एवरेज ए प्रोपेंसिटी, पी कंज्यूम, सी. सो दैट इज एपीसी. व्हाट इज एपीसी? एपीसी इज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम. एपीसी क्या है? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की और एग्रीगेट इनकम की रेशियो है. नाउ व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट मीन सम टोटल. ये हमें क्या बताता है एपीसी, कि हमने हमारी टोटल इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पे खर्च किया है, वो हमें कौन बताता है? एपीसी. यानी कि एपी एवरेज हमेशा क्या बताती है हमें? पर यूनिट. सो ये हमें ये बताता है कि इनकम का कितना, टोटल इनकम का कितना पार्ट हमने टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है. लास्ट हमने किया था एमपीसी. एमपीसी हमें क्या बताता था? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. यानी कि इनकम, एडिशनल इनकम, यानी कि अगर मेरी इनकम में चेंज हुआ है तो इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, वो कौन बताता था? एमपीसी. और एपीसी हमें सिंपल क्या बताता है, कि टोटल इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एपीसी. नाउ डिफरेंस बिटवीन एमपीसी एंड एपीसी. एमपीसी भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और एपीसी भी. अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है. एमपीसी, एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम. एमपीसी क्या है? एक रेशियो बताता है एडिशनल इनकम और एडिशनल कंजम्पशन की, कि कितनी मेरी एडिशनल इनकम, यानी कि कितनी मेरी इनकम चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, उस इनकम में इंक्रीज होने से कितना मेरे कंजम्पशन में चेंज आया है, वो कौन बताएगा? एमपीसी. और एपीसी क्या बताता है? एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. एपीसी क्या बताता है? टोटल कंजम्पशन में और टोटल इनकम में रेशियो बताता है, यानी कि इनकम का कितना पार्ट मैंने कंज्यूम किया है, वो कौन बताता है? एपीसी बताता है. सो फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये था. सेकंड डिफरेंस, फॉर्मूला. एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. और एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई. थर्ड डिफरेंस, एमपीसी शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम. एडिशनल इनकम यानी कि इनकम में चेंज होने से मेरा कंजम्पशन पर यूनिट में क्या चेंज आया है, वो कौन बताता है? एमपीसी. और एपीसी हमें क्या बताता है? टोटल इनकम में, जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम का कितना पार्ट हम पर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, वो कौन बताता है हमें? एपीसी बताता है. एमपीसी को हम स्लोप ऑफ सी लाइन बोलते हैं, जबकि एपीसी को हम स्लोप ऑफ सी लाइन नहीं बोलते. सी फंक्शन मीन्स सी लाइन. इसको हम एपीसी को कभी भी सी लाइन का स्लोप नहीं बोलते हैं. नाउ एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन. यानी कि हमने अब जो है सी फंक्शन यानी कि कंजम्पशन फंक्शन की एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन करनी है. एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन मीन्स कि एक इक्वेशन हमने यूज़ करनी है और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम कंजम्पशन निकालना सीखेंगे. और वो इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है सी इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस डी वाई. नाउ व्हाट इज सी? सी मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल टू सी नॉट. सी नॉट क्या है? सी नोट को हम बोलेंगे यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा मिनिमम कंजम्पशन होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो मिनिमम कंजम्पशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, ऑटोनोमियस कंजम्पशन. तो ये वही है. सी नोट मीन्स ऑटोनोमियस कंजम्पशन. प्लस बी. बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी. बी को हम क्या बोलेंगे? एमपीसी. और एमपीसी को हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई करके. नेक्स्ट हमारा वाई मीन्स इनकम. यहाँ पे मैंने एब्रिवेशन भी लिखी है इसकी. सी नॉट मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी एमपीसी और वाई मीन्स इनकम. अब जो हमने कल एग्जांपल डिस्कस किया था वही एग्जांपल हम आज भी लेंगे. सी हमने निकालना है. सी नॉट क्या है इस एग्जांपल में? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितना है मिनिमम कंजम्पशन?
20. सो सी नोट कितना हुआ हमारा 20 प्लस बी कल हमने सोल्व किया था कितना आया था एमपीसी कितना आया था हमारा 0.8 0.8 0.8 तो हमने यहाँ पे कितना लिखा 0.8 और इनकम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमने क्या करना है कंजम्पशन को निकालना है. अब यहाँ इनकम में हम पुट करते जाएंगे इनकम को और हमारा कंजम्पशन निकलता जाएगा. जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे पहले इनकम कितनी है 0. अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना होगा सो निकालेंगे. अब हम इसको वाई कितना है 0. हमारा फंक्शन क्या था 20 प्लस 0.8 वाई. ये हमारी क्या थी इक्वेशन थी. अब सी नोट हमारा 20 हमने लिखा प्लस 0.8 हमारा बी यानी कि एमपीसी था इनटू में इनकम हमने कितनी ली 0. तो मल्टीप्लाई हमने क्या किया 0 से तो हमारा कितना आ गया कंजम्पशन 20. नाउ नेक्स्ट में अगर मैं इनकम कितनी लूँ 50. अगर मैंने 50 इनकम ली है तो सी कितना था सी नोट 20 प्लस 0.8 इनटू में इनकम कितनी है 50. मैंने 50 इनकम कर दी तो सी कितना आ गया 60. सेम वे में इनकम हमारी कितनी थी 100 थी और यहाँ पे हमने क्या लिया 150 इनकम. सेम वे में हम इन दोनों को क्या करेंगे पुट करेंगे. जैसे सी नोट हमारा कितना था 20 प्लस एमपीसी कितना था 0.8 इनटू इनकम कितनी है हमारी 150. तो कितना आ गया हमारा कंजम्पशन 140 सोल्व करके. सो क्या आया हमारा कंजम्पशन यहाँ पे 20 60 100 और 140. और यहाँ पे भी हमारा देखे 20, 60, 100 और 140. सो इस इक्वेशन के थ्रू अगर हमें इनकम गिवन है और सी नॉट और बी हमें सब चीज़ गिवन है तो हम क्या निकाल लेते हैं सी फंक्शन यानी कि कंजम्पशन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से हम कंजम्पशन को सोल्व करते हैं. सो आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा कि कंजम्पशन को कैसे इक्वेशन के थ्रू एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे ये हमने सीखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स के नोटबुक में करें. थैंक यू.